हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छे से हो रही हैं? दिवाली बहुत अच्छे से मना लिए? होप करता हूँ सब अच्छा चल रहा होगा। लेकिन ये वीडियो में मैं बात नहीं करने वाला हूँ आप लोग के किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में। ये वीडियो में बात होने वाली है सिर्फ और सिर्फ आपके करियर के बारे में। कहाँ पे मिलेगा आपको वो जॉब सेटिस्फैक्शन जिसके लिए आप लोग इतने सारे पढ़ाइयाँ कर रहे हो, इतने सारे एग्जाम्स दे रहे हो, इतने ज़्यादा अपने लगन से लगे हुए हो? क्या ऐसा कोई जॉब होता है? और अगर होता है तो वो जॉब कौन सा है? क्या उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है? क्या उसमें करियर है? क्या वर्किंग आवर्स है? क्या लाइफ है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और आप में क्या एबिलिटी है? राइट, तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं सर, जहां जाओ, जहां देखो, जिसे देखो, थोड़ा सा भी अगर वो सीरियस कैंडिडेट है तो आपको मिल जाएगा। या तो बैंक के IBPS के एग्जाम्स देते हुए, जितने तरह के बैंक के एग्जाम्स होते हैं उसमें लगा हुआ मिलेगा। बाकी कोई एग्जाम्स रेलवे के हों, SSC के हों, सिविल सर्विसेज हों, तमाम एग्जाम्स देते रहता है, हर कोई देता है, सब कोई देते हैं, चलो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट क्या उसमें सेटल होते हैं वो? अगर कोई दूसरी जॉब लगती है तो मन में एक क्वेश्चन फिर उठ जाता है कि क्या हमें इसे परस्यू करना चाहिए या फिर इसे छोड़ के किसी और में स्विच कर लेना चाहिए। तो इस तरह के कन्फ्यूजन्स में लोग जो पढ़ते हैं, तो एक्चुअल में एज जो होता है ना किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने का, वो कब शुरू होता है पता नहीं चलता है। पता चलता है क्या? सोचो आप लोग, कब पता चला आप लोग को, मतलब अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में, यार अब मैं एलिजिबल हो गया हूँ। जिस समय एज पूरा, यार अभी तो बच्चे हैं, मतलब चलो आ गया, बट उससे भी मतलब फास्ट वो समय निकलता है और आपको पता नहीं चलता है कि यार अब तो हो गया एक्सपायरी, एग्जाम देने की एज भी खत्म हो गया या फिर लास्ट वर्ज ऑफ द कम्पलीशन है, वर्ज ऑन द कम्पलीशन है। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं उन सबों के लिए डिवोट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, जो कि अभी अपने अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में है, मतलब कॉम्पिटिटिव लाइफ में, जो कि अभी अपने ग्रेजुएशन को मतलब फाइनल ईयर्स में है या कंप्लीट कर लिए हैं या एक दो साल हुआ है, उनके लिए वीडियो में बहुत स्पेशल चीज़ें हैं। अगर वो उसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम इट, कोई ऐसे हैं जो कि अगर सीनियर्स भी हैं तो उनके लिए भी ये बहुत काम का होने वाला है। बट मैंने इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल या उस बात पे स्ट्रेस दिया क्योंकि ये फिर उनके अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में एक पथ बनेगा उनको अपने करियर को अच्छे से मतलब आगे बढ़ाने का। तो ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में बहुत काम की चीज़ें आप लोग होने वाली हैं। फ्रेंड्स सर, आप लोग एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जॉब सेटिस्फैक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि आप जाके 99.9% लोगों से पूछिएगा, इरिस्पेक्टिव वो किसी भी कैडर में हो, इरिस्पेक्टिव वो किसी भी जॉब में हो, वो हमेशा कहेंगे यार इससे भी बढ़िया कुछ हो सकता था, मतलब काश ऐसा कुछ हमें मिल गया होता, या फिर नहीं यार मुझे वहाँ होना चाहिए था, यार मिस कर गया, मतलब इस तरह की तमाम बातें आती हैं कि नहीं? बिल्कुल आती है, नेचुरल है। ओवरऑल हम लोग एट लास्ट हैं कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स कभी भी कंप्लीट तो होता नहीं है, वो सेटिस्फाइड तो होता नहीं है। बट क्या मतलब इन जनरल ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें हम लोग कह सकें कि बेसिक चीज़ें जो हम लोग की होती हैं लाइफ में, कह लो लग्जरी कह लो, या फिर अपने लाइफ में कह लो कि ये मेरा एक गोल है, करियर है, इसे पाना है या इसमें आ जाएंगे तो फिर एटलीस्ट इन चीज़ों के लिए फिर पीछे नहीं भागेंगे, तो वो ऐसा कोई जॉब हो सकता है क्या? जी सर, ये हो सकता है। तो वो क्या है वो जॉब? है सर, आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, स्पेशली हर कोई जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स है या नहीं भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स है और भी सेक्टर्स के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो सर आप लोग जान लीजिए, एक जॉब ऐसा जिसमें आपको अपने लाइफ की हर चीज़ें मिलेंगी, मतलब जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ आपको आपको मतलब जो आप चाहते हैं, एक लग्जरियस लाइफ हो, एक लग्जरियस लाइफ हो आपके पास, मतलब वो तमाम चीज़ें हों जिसके लिए लोग मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए रहते हैं, चार्मिंग लाइफ रहे, डैसिंग लाइफ रहे और मज़ा भी आए उस जॉब में, और आपको प्रमोशंस भी इतने अचे मिले कि आपको लगे नहीं लास्ट में एट लास्ट आई हैव अचीव समथिंग इन माई लाइफ एंड दैट इज़ गोइंग टू बी नन अदर दैन, नथिंग लेस दैन RBI जॉब। राइट, सही सुना आप लोगों ने सर, RBI एक ऐसा जॉब मतलब देता है हम लोगों को जहाँ पे आप मतलब इस चीज़ को आप लोग शायद जो नहीं जान, जो जान रहे हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, जो नहीं जान रहे उनके लिए बता देता हूँ, जहाँ पे आपके लाइफ के तमाम वो चीज़ें जिसके लिए हर एक कैंडिडेट जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में अपने करियर को बनाना चाहता है, अपने आप को एम को फोकस रखा है, वो उसके लिए लगा रहता है। क्या होती हैं वो चीज़ें? एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ से लेके स्पिरिचुअल भी ले लो यार, कि मतलब चलो घर पे रहते हुए सब कुछ कर लेना है, वो क्या होती हैं? वो होती हैं सर सबसे पहले कि भैया सैलरी मिलनी चाहिए, तो बैंक की जॉब है तो टाइम पे तो सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, मतलब टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए। दूसरा भाई सैलरी से तो चलो हम लोग अपना जो भी खर्च करें, सेविंग करें, वो तो अपने ऊपर चीज़ है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें लगता है यार ये हमें फैसिलिटी के तौर पर मिल जाती है कि नहीं, पर्क्स के तौर पर मिल जाते हैं तो वो हमारे लिए और अच्छा होता। वो जैसे क्या हो सकता है भाई, गाड़ी खरीदने के लिए हमें कुछ मिल जाता, पेट्रोल भराने के लिए कुछ हमें मिल जाता, खाने के लिए भी हमको कुछ मिल जाता, घूमने के लिए भी हमें कुछ मिल जाता, कपड़े पहनने के लिए भी कुछ मिल जाते, न्यूज़पेपर्स के लिए भी कुछ मिल जाता, स्टे करने के लिए भी कुछ मिल जाता, मतलब अपना घर तो करो ही करो, मतलब जो वर्किंग प्लेस में रह रहे हो यार उसी का कोई क्वार्टर वाटर भी मिल जाता, फिर
जितने भी तरह के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो मिल जाता, मतलब ऐसी चीज़ें जिसको आपको लगता है कि अगर वो दूसरे जॉब में आप रहोगे तो अपने सैलरी का ही हिस्सा उसमें देना पड़ेगा, राइट? वो आपको आरबीआई बहुत ही अच्छे तौर पे रिम्बर्स करती है, इवन आपको बहुत अच्छे तौर पे उसके अलाउंसेस देती हैं। तो ये है सर आरबीआई का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो मैं आप लोगों को अभी बताया। फुल डिटेल अब इस वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। आरबीआई के बेसिकली दो टाइप के एग्जामिनेशंस आप लोग को देखने को मिलेंगे, हर वो कैंडिडेट जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। बहुत अच्छे समझ लीजिए सर, पहला आप लोग के लिए आरबीआई का असिस्टेंट जॉब होने वाला है। ये वीडियो नहीं होने वाली है ग्रेड बी या फिर असिस्टेंट की, ये होने वाली है आरबीआई जॉब के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स? तो अगर आपको इन पर्टिकुलर किसी के और के बारे में, मतलब आरबीआई असिस्टेंट के बारे में ही इन पर्टिकुलर या फिर आरबीआई ग्रेड बी के बारे में इन पर्टिकुलर जानना हो तो कमेंट सेक्शन में आके मैसेज करिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो दे दूंगा। अपार्ट फ्रॉम इट मैं आरबीआई जॉब के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो दो तरह से आप इसमें आ सकते हैं। फर्स्ट एक हो गया आपका असिस्टेंट के तौर पर, वो भी ग्रेजुएट्स ही जाते हैं। दूसरा हो गया आपके आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स वाले जॉब, वो भी उसमें ग्रेजुएट्स जाते हैं। तो बेसिकली ये दोनों जॉब में अंतर आपका जो होता है वो, पहले तो आप आरबीआई में आते हो तो एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए सर कि असिस्टेंट से भी आप ग्रेड बी बनते हो, बिल्कुल बनोगे अगर आप प्रमोशन स्केल्स में जाते हो या सीनियरिटी बेसिस में भी एग्जाम्स फेस करते हो या फिर अपने फास्ट ट्रैक मेथड से भी आप एग्जाम प्रिपेयर मतलब निकालते हो, क्रैक करते हो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, तो आपको वहाँ पे प्रमोशन मिलता है। वो ग्रेड बी में डायरेक्ट नहीं होता है सर, वो पहले ग्रेड ए में होता है फिर आपको प्रमोट करके ग्रेड बी में डाला जाता है। ग्रेड बी जो होता है वो मैनेजरियल पोस्ट हुआ डायरेक्ट, मतलब आप समझ लो, बट ग्रेड ए जो है वो हायरार्की में एज असिस्टेंट मैनेजर जैसे पीओ होता है ना वैसे होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप समझ लो, आप वहाँ पहुँचोगे। बट ग्रेड बी में अगर आप जाते हो तो इवन आप डिप्टी गवर्नर तक आप बन सकते हो। सोचो सर, गवर्नर ऑफ आरबीआई कितना बड़ा चीज होता है, बस उससे थोड़ा सा नीचे डिप्टी गवर्नर, वहाँ तक आप जा सकते हो। तो ये कैपेबिलिटी है। तो सोचो आपका वो जो जॉब सेटिस्फैक्शन वाला वर्ड मैंने बोला, इट इज़ नो वेयर लेस देन एनी कोवेटेड जॉब जिसके लिए कोई भी एस्पिरेंट प्रिपेयर करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सिविल सर्विसेज अच्छा है, सिविल सर्विसेज से खराब है। इट विल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल और द पर्सन हाउ ही टेक्स द जॉब, हाउ ही एक्सेप्ट दोज थिंग्स। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसको आपको लगता है, कहते हैं ना कि मतलब अपने लाइफ के करियर में ही अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बूस्ट मिल जाए जिससे आपको आगे का रास्ता बहुत अच्छे से मिल जाए, परेशान नहीं हो, मतलब एक सेटिस्फैक्शन है कि अगर मुझे नहीं भी कोई चीज़ हुआ तो मेरे पास एटलीस्ट वो चीज़ है जिससे कि मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से रख मतलब कंटिन्यू रख सकता हूँ, तो वो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है सर आरबीआई का जॉब। इरेस्पेक्टिव वो आप ग्रेड बी में आओ या आप असिस्टेंट में आओ, इन बोथ द केसेस यू आर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड फ्रॉम द बेसिक थिंग्स और बेसिक अलाउंसेज और फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दैट एम्प्लॉयर, दैट इज द आरबीआई जॉब, ओके, फ्रॉम आरबीआई। तो आप ग्रेड बी में आ जाते हो तो और अच्छी बात है, असिस्टेंट में आते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, बुराई कहीं नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है सर। और अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आपका एक अटमोस्ट मतलब आप कोई भी किसी से भी पूछ लो यार, पता कर लो सबसे बड़ा जॉब कौन है भाई, यूपीएससी, राइट? सब चाहते हैं कि यार चलो आईएएस बनना है या फिर आईआरएस आईपीएस जो बोल लो, ठीक है, तो उसके लिए जाते हैं। तो ये उससे कम भी नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे अच्छा है या फिर उससे कम है, ये कहीं से कम नहीं है। आपको ये मैं बता रहा हूँ सर कि यहाँ पे आने के बाद आप अपने लाइफ में सिविल सर्विसेज जिन किसी का भी एम है सर, जिन किसी का भी, जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन है फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, आप अपने पढ़ाई के साथ साथ अगर आप आरबीआई को एम करते हो, अगर आप आरबीआई में आ जाते हो तो यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑल्सो। इट विल बी वेरी गुड, इट विल बी वेरी एनकरेजिंग इफ यू क्रैक दैट एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम इट इफ यू डोंट, देन ऑल्सो यू डोंट हैव टू वरी इन एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ बिकॉज यू विल अचीव समथिंग विच विल बी नोवेयर लेस देन द सिविल सर्विसेज जॉब, ओके, बट इट विल डिपेंड टोटली ऑन द इंडिविजुअल हाउ वी एक्सेप्ट थिंग्स। मेरे कहने का इन शॉर्ट ये मतलब था सर कि अगर कोई क्लरिकल जॉब में भी है, छोड़ो आरबीआई, मैं बोलता हूँ अगर कोई क्लरिकल जॉब में भी है किसी भी डिपार्टमेंट के, और अगर उसे अपने लाइफ के एम्स, हर किसी के अपने होते हैं सर, मेरे कुछ अपने हैं, आपके कुछ अपने होंगे, बाकी किसी के अपने होंगे, तो वो अपने उन वैल्यूज़ को, उन वर्च्यूज़ को अगर अपने लाइफ को जो भी वो बनाता है, कोई भी एक आदमी अपने सेट करता है एक मेज़र कि मुझे ये चाहिए, मेरे ये सारे मेजरमेंट्स हैं, मुझे इन सब चीज़ों को मिलता है क्राइटेरिया, तो मैं सेटिस्फाइड रह सकता हूँ, कह सकता हूँ, रहूँ या नहीं रहूँ कह जरूर सकता हूँ, ओके। तो हो सकता है वो क्लरिकल जॉब में उन चीज़ों से खुश हो शायद, ठीक है, तो ये उसका मतलब प्रोस्पेक्ट है, सोचने का परसेप्शन है उसका। हो सकता है कि कोई मतलब आईएएस भी हो तो भी वहाँ भी खुश नहीं हो, सोचे कि उससे कोई सीनियर आईएएस है तो वो ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे, किसी अदर स्टेट में तो वो ज़्यादा अच्छा है, तो ये अलग चीज़ है। बट अपार्ट फ्रॉम इट मैं बता रहा हूँ कि आप किसी भी कैडर में रहो तो आपके पास एक ग्रेट प्लेटफॉर्म सिविल सर्विसेज के लिए, अगर जो कोई भी एम कर रहे हैं ना तो उनको टिकट टू मतलब वो है ना सिविल सर्विसेज वाला वो मिल जाता है वहाँ पे। ऐसे बहुत जने मैं आप लोग को बता देता हूँ सर जो कि आरबीआई ग्रेड बी में या आरबीआई असिस्टेंट में ज्वाइन करने के बाद सिविल सर्विसेज निकाले हैं, ठीक है, और निकालते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं है, तो ये आपके पे डिपेंड करेगा कि आप कितने सीरियस रहते हो, ओके। तो इस चीज़ पे आप वापस आता हूँ,
पहली तो आपको मैंने बता दी कि आप असिस्टेंट बन सकते हो, फिर वहां से भी आप प्रमोट हो सकते हो, दूसरी आप ग्रेड बी में भी डायरेक्ट जा सकते हो। तो पहली चीज, आप सब किसी के मन में एक कॉमन क्वेरी होता है, क्वेश्चन होता है, सर की सैलरी क्या मिलने वाली है, मतलब क्या होगा वहां पे, मतलब सैलरी क्या होगा। तो सर जान लीजिए कि सैलरी एक आरबीआई असिस्टेंट की किसी भी प्रोबेशनरी ऑफिसर, चाहे वो एसबीआई का ही प्रोबेशनरी ऑफिसर क्यों नहीं हो, उससे कम नहीं है। आरबीआई स्टैंड्स वे अहेड देन एनी ऑफ द प्रोबेशनरी ऑफिसर्स जॉब ऑफ एनी ऑफ द बैंक। ठीक है, मैं एपेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं नबार्ड और इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ECGC, एग्जिम, सेबी, सिडबी, इनकी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अदर नेशनलाइज बैंक या फिर एसबीआई की। उससे ऊपर है सर आरबीआई का असिस्टेंट जॉब, मतलब कितने सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आरबीआई असिस्टेंट में एसबीआई पीओ को छोड़ के जाते हैं, या फिर अगर उनका एसबीआई पीओ में हो जाता है तो वो आरबीआई असिस्टेंट को छोड़ के उसमें नहीं ज्वाइन करते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत करो या आप करो, आपके आपके लिए जो बेस्ट सुटेबल हो, बेस्ट सुटेड हो, आप हमेशा उसी को करना। बट एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ वो मिलती है। तो वो क्या है वो चीज़, वो सैलरी पहले बता देता हूँ। तो सर आप समझ लीजिए कि 50 to 60,000 के बीच में ऑन द होल आप देखोगे कि आपको वो पर्क्स, अलाउंसेस, फैसिलिटीज करके वो मिल जाती हैं। कॉस्ट टू कंपनी देखोगे, पर एनम वाले पैकेज देखोगे सर, तो कहीं से भी वो 6.5-7 लाख रुपये से कम नहीं आएगी। तो आप सोच सकते हो कि वो कितनी अच्छी है, बट इसे मैं मतलब जनरलाइज वे में बता रहा हूँ। मैं आपको अगर बृहद में किसी वीडियो में बताऊंगा तो सारी चीज़ों को मैं एलैबोरेट कर पाऊंगा, जो कि सुन के, जैसे मैंने एक वीडियो दिया था एसबीआई का, वो उसका मतलब 2 to the power 100 ऊपर होगा वो असिस्टेंट वाला। दैट टाइप ऑफ फैसिलिटीज, दैट टाइप ऑफ वर्क प्रोफाइल यू आर गोइंग टू गेट इन दैट आरबीआई असिस्टेंट जॉब। ओके, बट व्हेन यू कम टू आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर जॉब, इफ यू कम डायरेक्टली और यू गेट प्रमोटेड टू ग्रेड ए एंड देन टू ग्रेड बी, तो वहां पे क्या होने वाला है सर, योर पैकेज वोंट बी लेस देन 18 लाख रुपीज पर एनम। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट हाउ मच इट इज, 1.5 लाख रुपीज पर मंथ, दैट पैकेज इन अ गवर्नमेंट जॉब, अ सिंगल ग्रेजुएट, दैट्स रियली ऑसम मैन। बस आप ये समझ लो कि कितनी बड़ी चीज़ होती है आपके लिए आरबीआई की जॉब। तो सोचो सैलरी वाइज आप, मतलब ये मैंने सिर्फ सैलरी जो बताई ना, इसमें मैंने आपके अलाउंसेस और वो आपको कॉस्ट टू कंपनी को ऐड करके आपको वो बताया। तो आप ये समझ लीजिए कि आप कहाँ पे हैंडसमली स्टैंड कर रहे हो। इसके मतलब आगे सिर्फ एक वही है कि नहीं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहते हो, उस तरह की चीज़ चाहते हो, तो आप समझ लो कि इसके आगे बस एकमात्र वही बसता है, फिर इसके पीछे ही है सारे, कितनी बड़ी चीज़ है ये। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो। और एक सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या आपको मिलेगी ना आरबीआई के जॉब में, इवन नॉट एनी जॉब, इवन नॉट एसएससी जॉब, मतलब कोई भी जॉब आप नाम ले लो यार, मुझे कमेंट सेक्शन में आके देना, मतलब इट वोंट स्टैंड इन कंपैरिजन विद आरबीआई जॉब, दैट इज फार वे अहेड देन एनी ऑफ द गवर्नमेंट जॉब। ओके, अब आप देखो इसमें कितनी बड़ी आपको चीज़ मिलती है कि सर मंडे टू फ्राइडे का जॉब है, तो सबसे पहले तो मेरे एक मेंटल सेटिस्फैक्शन आपको मिल गया। दूसरा क्या है सर कि आपको हमेशा ऑफिशियल ही वर्क बेसिकली देखने को करने को मिलेंगे, है कि नहीं, राइट? तो कस्टमर डीलिंग से आप बच जाते हो। बहुत लोगों को कस्टमर डीलिंग ओके को रहता है, बहुत लोगों ओके नहीं रहता है। तो आप यहाँ पे देखो कि अगर आपके लिए वो ओके नहीं है तो आपको वो भी काम नहीं करना पड़ रहा है, बेसिकली नहीं करना पड़ता है। ठीक है, एक्सेप्शनल वर्क कुछ होते हैं वो अलग हैं। तो 5 days वर्किंग के साथ आपको ऑफिशियल वर्क मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है सर। ऊपर से अब आप इसमें देखिए कि आपको जो रहने का जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है ना, मतलब आप देखोगे कि किसी बैंकिंग सेक्टर में आज सबसे बड़ा एक नाइटमेयर क्या है, दो नाइटमेयर्स है जो बैंकिंग सेक्टर में मतलब हर ऑफिसर्स को यार, इवन हर किसी को परेशान करते हैं। पहला होता है ना उसका एनपीए, ब्रांच का फिगर जो होता है ना एनपीए, यार रात रात भर जगा के रखता है। और दूसरा होता है सर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कि आपको रूरल में देगा, सेमी अर्बन में देगा, अर्बन में देगा, कौन स्टेट में देगा, कहाँ देगा, कैसा वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, कैसा वहाँ पे एकोमोडेशन फैसिलिटी होगी, यार खाएंगे क्या, मतलब अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी यार, हमें सूट नहीं कर रहा है तो हम रहेंगे कैसे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बट इन आरबीआई द बेस्ट पार्ट इज दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट इन एनी टाइम इन अ रूरल एरिया, यू विल ऑलवेज रिमेन इन स्टेट कैपिटल्स, क्योंकि जहाँ जहाँ आरबीआई स्टेट कैपिटल्स में ही है तो वहीं आपकी पोस्टिंग होगी। तो सोचो आपके लिए कितना बड़ा एक बून होता है आरबीआई के जॉब में कि आपको ये फैसिलिटी मिलती है सर। तो हर कोई, हर कैंडिडेट ऐसा जो कि आज अपने प्रिपरेशन को कर रहा है, 24 साल की उम्र हो, 25 साल की उम्र हो, 26 साल की उम्र हो, तो वो आरबीआई के एग्जामिनेशंस को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा सर, क्योंकि आरबीआई में आपके लाइफ को वो विंग्स मिल जाएंगे, वहाँ तक आप फ्लाई कर सकते हो उस विंग्स के सहारे, जो कि एक कोई भी दूसरे जॉब में आदमी इवन ड्रीम नहीं कर सकता है। वो सेटिस्फैक्शन आपको वहाँ पे मिलेगा, मतलब आपको, आप सोचो कि आप वहाँ पे वो जो क्वार्टर्स आप लोग को मिलते हैं ना, चाहे वो असिस्टेंट के क्वार्टर्स हों, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी के हों, 2 BHK 3 BHK जो भी आपको मिलता है, वो हर सुख सुविधा के साथ आपको मिलता है। आपको क्या लाइफ में कमी रहेगी अप टिल योर रिटायरमेंट, 60 years ऑफ एज, आप सोचो आपको वैसे सोसाइटी में रहने को मिल रहा है जहाँ पे वेल एजुकेटेड, वेल अर्निंग फैमिलीज रह रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ का असर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का जो भी मतलब माहौल होगा वो ऑब्वियसली कहीं से भी बेटर होगा। और आप रह भी कहाँ रहे हो, बेस्ट पार्ट में,
हार्ट ऑफ द सिटी में, क्योंकि जहाँ भी क्वार्टर्स होते हैं ना आरबीआई के, वो हार्ट ऑफ द सिटीज़ में होते हैं। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है आपको आरबीआई में, तमाम फैसिलिटीज़ मिलती है सर, खाने का जो वो जब आप जाओगे वहाँ पे जॉब करोगे अगर आरबीआई में कोई भी हो, दिवाली मन रही है अभी भी, तो जहाँ भी आप आरबीआई में रहोगे वहाँ पे जो आपका कैंटीन भी होगा सर बताता हूँ, तो वहाँ पे जो एक्सपेंस होता है ना वो खाने पीने का, वो जो लगता है सोडेक्शो कार्ड बोल दो जो बोल दो, वो इतने सब्सिडाइज रेट पे होते हैं, आप इमेजिन नहीं करोगे कि वन टाइम मील आप 15-20 रुपए में खा सकते हो, एक लंच आप 20-30 रुपए में कर सकते हो, और लंच कैसा होगा वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो सर। वेजिटेरियन के लिए पनीर के बेस्ट आइटम से लेके जो आप पसंद करो, और नॉनवेज खाने वाले के लिए चिकन विकन जो पसंद करो सब मिलते हैं, बहुत बड़ी बात है। अच्छा खाना मिलता है, अच्छी जगह रहना मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा माइंडसेट रहता है, पॉजिटिव रहते हो तो लाइफ में क्यों रुकोगे, लाइफ में पढ़ोगे। तो दिस वॉज द बेसिक ऑफ आरबीआई जो मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में फ्रेंड्स देने वाला था। अब इससे रिलेटेड जो आप लोग के डाउट्स हैं आइए नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछिए, मैं आप लोग को बताने के लिए रेडी हूँ। चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।